आप जैसे कि आप सभी को विदित है कि इस बार जो लोहड़ी का जो पर्व है वो आज ही, जैसे आज 13 जनवरी 2024 को है, दिन आज शनिवार के दिन पड़ रहा है, और इस दिन जो शुभ तिथि है इसमें जो लोहड़ी का जो पर्व है वो बड़े ही हर्षोल्लास से पूरे प्रदेश में मनाया जाता है। वर्ष 2024 का पहला त्यौहार लोहड़ी आज देश व प्रदेश में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आज बाजार में लोगों की भारी भीड़ खरीदारी के लिए उमड़ी है। लोहड़ी पूजन का शुभारंभ शुभ मुहूर्त शाम 5:38 से रात 7:40 तक रहेगा। वहीं इस वर्ष लोगों में मकर संक्रांति को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है कि कब वह शाही स्नान कर व्रत रखें और दान करें। पंचांग के अनुसार इस वर्ष भी मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को ही मनाया जाएगा। इस दिन जप तप दान स्नान श्राद्ध तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व है। दान पुण्य करने वाले लोग 15 जनवरी को भी दान कर सकते हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजौ मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलायतनौ हरि सर्वमंगल्यमांगल्ये शिवे सर्वाद साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। आप जैसे कि आप सभी को विदित है कि इस बार जो लोहड़ी का जो पर्व है वो आज ही, जैसे आज 13 जनवरी 2024 को है, दिन आज शनिवार के दिन पड़ रहा है, और इस दिन जो शुभ तिथि है इसमें जो लोहड़ी का जो पर्व है वो बड़े ही हर्षोल्लास से पूरे प्रदेश में मनाया जाता है। और विशेष करके कहते हैं कि ये, जैसे कई लोग कहते हैं ये पंजाब का त्यौहार है, तो इसमें कोई भी त्यौहार किसी भी सीमा तक सीमित नहीं रहता है। वो एक अगर कहीं पे कोई त्यौहार मन रहा है तो वो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में उसको बड़े हर्षोल्लास से संपूर्ण भारतवासी मनाते भी हैं। और इस बार जो लोहड़ी का जो पर्व है वो बहुत ही शुभ है, और उसका जो पूजने का जो समय है शाम के टाइम, वो शाम को 5:30 से लेकर के 8:15 तक का है, लेकिन जो सबसे उत्तम जो समय है वो 5:38 से लेकर के 7:40 तक का समय है। इस समय कोई भी जो सनातनी है वो इस समय लोहड़ी का पूजन कर सकते हैं। उसमें भी विधान है कि लोहड़ी को एक जगह से लकड़ियां इकट्ठी करें, विधिपूर्वक से उस पर कच्चा सूत बांधें और वहाँ पे उसके पत्र पुष्प जल अक्षत रौली मौली आदि से वहाँ पे उसकी पूजा करें, उसको चढ़ाएं, और उसमें जहाँ तक हो सके कि जैसे साबुत अनाज गेहूँ व जौ हुए इनको डालें, और विधिपूर्वक से वहाँ पे पूजा करते हुए वहाँ पे उन चीज़ों को, वहाँ पे उस जो आपकी लोहड़ी है जहाँ पे जला रहे हैं उसमें अग्नि माता का भी पूजन करें और अग्नि का आह्वान करते हुए उसे प्रज्वलित करें, 4 परिक्रमा लें और प्रार्थना करें कि हमारे घर में सुख समृद्धि आए और कोई भी जो दोष है हमारे घर से चले जाएं। लोहड़ी पर्व मनाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। और वो दूसरी बात है कि जो लोहड़ी का जो पर्व है उसमें कहते हैं कि इसको जलाने से घर से दुख दारिद्र दूर हो जाते हैं, और जो किसान वर्ग है वो उस दिन अपनी नई फसल के आने के उत्सव में इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं, और व्यापारी वर्ग भी इसमें कि हमारे व्यापार में अच्छी वृद्धि रहे, इसी वजह से इस कार्य को बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और शिमला नगर निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ कि लोहड़ी का पर्व आप सबके जीवन में मंगल कामनाएँ लाए। और दूसरी बात, जैसे कि आप कह रहे हैं कि संक्रांति का जो पर्व है मकर संक्रांति, जैसे कि आज सोशल मीडिया में भी और कई जगह अखबारों में भी आ रहा है कि 14 को मनाएं या 15 को मनाएं, लेकिन जैसे कि यहाँ पे हमारे जो 7 जो पंचांग हैं, स्थानीय पंचांग, चाहे वो देवी दयाल हो चाहे वो पंचांग दिवाकर हो, हम उसके हिसाब से प्रमाणिक बात आपके सामने कहेंगे। और उसमें जैसे लिखा हुआ है और शास्त्रीय सम्मत बात के अनुसार जो मकर संक्रांति का जो पर्व है वो 14 तारीख यानी कि कल रविवार के दिन मनाया जाएगा।
14 तारीख को भगवान सूर्यनारायण उत्तरायण होंगे और उत्तरायण से सारे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। जो भी इन 6 महीनों में जो उत्तरायण में, वैसे भी ये जो पिछला जो महीना था खर मास था आज तक, और खर मास में कहते हैं कोई भी शुभ कार्य वर्जित होते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य उत्तरायण यानी देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं और वहाँ से सारे कार्य शुरू हो जाते हैं और तर्क वितर्क की बातों में पड़ के हुए, आज लोहड़ी का पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाएँ और कल मकर संक्रांति का पर्व मनाएँ। आप सभी को मकर संक्रांति की भी और लोहड़ी की पर्व की भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ।